वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक और केस डिस्कस करेंगे और इस मेडिसिन के एक और फैसेट को समझेंगे। और ये केस है 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का। पेशेंट को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा है, और वो आई है दिखाने के लिए। तो उनको उनके हस्बैंड ने बताया कि अभी एक महीने पहले इनको डिलीवरी हुआ है और बेबी इनका एक्सपायर हो गया। हमारा जो था वो कमज़ोर था तो उसे एक्सपायर हुआ, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो पेशेंट थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बोलना बड़ा झिझक वाला मैटर है बोलने। तो फिर मेरे केबिन में उनको बिठाया, मैंने कहा हस्बैंड को क्या बाहर बैठी बैठे। तो वो उनसे मैंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे मुंह पे कपड़ा रखना, बोलने में थोड़ा सा इधर उधर मुंह देखना, मतलब काफ़ी झेप रहे हैं अपनी समस्या बताने में कि क्या तकलीफ है। तो मैंने पूछा क्या तकलीफ हो रही है, तो हल्के से झेपते बोले कि मुझे सफ़ेद पानी जा रहा है। तो मैंने पूछा कब से जा रहा है आपको, तो बोले कि कुछ भी एक महीना हो गया। तो मैंने कहा एक महीने से आपने क्या किया। तो फिर इधर उधर देखने लग गए और ऐसे मतलब एक शर्म जो होती है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मतलब झेप रहे अपनी बात को बताने में, शर्मा रहे हैं, भयंकर हद से ज़्यादा शर्माना बिल्कुल। और तो मैंने पूछा कि फिर आपने क्या किया एक महीने से। तो बोले कि मुझे लगा कि हो जाएगा ठीक, पर नहीं हुआ ठीक मेरा ये। तो अभी तकलीफ, मैंने कहा अभी क्या तकलीफ हो रहा है, बोले अभी कमर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब दिखा दूँ। तो मैंने एक महीने में कुछ किया, बोले हाँ दर्द की गोली खाई थी, बाकी अब बढ़ गया इसलिए मुझे आ गई मैं। तो मैंने कहा कि कैसे शुरू हुआ ये। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के एक्सपायर होने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब डिलीवरी हुई ना और उसके बाद से ये तकलीफ शुरू हो गई। तो मैं कि बेबी आपका बाय बर्थ मतलब जिंदा हुआ या मरा हुआ, बोले कि नहीं कि बर्थ और जन्म जिन पैदा हुआ उसके बाद आईसीयू में रखा और दो दिन बाद एक्सपायर हो गया और उसके बाद से मुझे तकलीफ शुरू हो गई। तो ये मतलब डिलीवरी के बाद से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या टेंशन है इसको लेकर। तो अक्सर वो कपड़ों पर टच होता है तो गीला गीला लगता है, तो लोग देखते अच्छा नहीं लगता है, मुझे गीला होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है वो। मैं किसको, मैंने कोई भी देखेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मैं क्या अच्छा, तो मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम। तो मैंने किस साइड सोते हैं आप, तो बोले कि सर मैं ऐसे उल्टे हाथ करके लेफ्ट साइड मतलब सोती हूँ, इशारा करके लेफ्ट साइड। मैंने ठीक है। तो और हमने उनको 200 का एक डोज दिया और उसके 15 मिनट बाद हमने उनसे पूछा कि अभी कमर दर्द कैसा, बोले कम है सर, और मेरी वाइट टीचर कि वो भी कम है। हमने कोई पोटेंट कोई डोज रिपीट नहीं किया, एसएल पे रखा उनको, 10 डेज बाद बुलाया। 10 डेज बाद जब आ जाएं तो वो कह रही हैं कि सर कमर दर्द भी ठीक है और लगभग सफ़ेद पानी बिल्कुल बंद ही हो गया मेरा, ठीक है बिल्कुल। और काफ़ी आज वो लेडीज़ बहुत मतलब एक्टिव और बहुत खुली खुली सी लगी, मतलब कि आज और 10 दिन के टाइम में बहुत चेंज आया। तो 10 डेज में हमारी मेडिसिन ने उनकी वाइट डिस्चार्ज की और कमर दर्द की जो प्रॉब्लम थी, जो बहुत परेशान हो रही थी, उससे राहत दिलाई। तो सबसे पहला मुझे इस केस में जो रूबरी उसके हस्बैंड के कहने से लगा कि बच्चे की डेथ के बाद इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डेथ हो जाने के बाद इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि बच्चे डिलीवरी होने के बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास रूबरी है डिलीजन इंजुरी बींग इंजर, उसके बाद से ये चल रहा है डॉक्टर साहब। थर्ड रूबरी इसमें पेशेंट ने एक महीने तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, सिर्फ पेट दर्द की एक आध गोली खाई और काम चला। ये फ्रिवलस एटीट्यूड है इनका कि ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, मुझे समझा कि अपना आप बंद हो जाएगा, पर नहीं हुआ। और अब वो आई हैं इलाज के लिए कि डॉक्टर साहब अब ये कमर वगैरह दुख रही मेरी, तो अब कराऊँ मैं। तो अभी भी आने के बाद में पेशेंट कितनी शर्मा रही है अपनी समस्या को बताने के लिए, क्योंकि जो देखते हैं हम जिनके फैमिलीज़ में ज़्यादा ओपन माहौल नहीं होता है, तो वो बहुत इन चीज़ों को बहुत छुपा कर रखती हैं। तो ये पेशेंट कितनी मतलब
अपनी बात तक नहीं पता पर इतनी झिझक खा रही हैं। तो अगला रूब्रिक था मेरा टिमिडिटी बैशफुल, और हमने पूछा कि इससे तकलीफ क्या है आपको। तो वो डॉक्टर इससे ना कपड़े गीले हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, शर्मिंदगी फील जैसा, तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। हमने इन सब रूब्रिक के आधार पर पेशेंट को सल्फर 200 का डोज दिया, और 200 देते ही पेशेंट पे जादू हुआ और पेशेंट 15 मिनट में ही कंफर्ट जोन में आ गया। उसकी कमर दर्द में जो खिंचाव वगैरह जो हो रहा था, वो परेशानी थी, वो काफ़ी हद तक बेटर हो गई। एसएल दिया 10 डेज, और 10 डेज बाद आकर उसने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। हमने फिर एसएल दिया, कंटिन्यू कर दिया। रिपीटेशन की कोई नीड हमको पड़ी नहीं, मतलब सिर्फ एक ही डोज से काफ़ी कुछ आराम हो गया पेशेंट को। तो ये था सीधा सीधा सिंपल और शॉर्ट केस था सल्फर का, फ्रिवलस एम्बेरसमेंट, इंजरी बिंग इंजर्ड, लेफ्ट साइड स्लिप पोजीशन, वो लेफ्ट साइड पोजीशन करके सोती है, और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड। तो ये केस है ल्यूकोरिया का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।